ना सोये असार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। आंधे मां दुध भी तां दिंदी बच्चे नूं जे रोवे तां, जे चुप रहे तां चल ठीक है चुप ही हैगा। अरदास करिए ते अरदास करन दा तरीका गुरु साहिब दस रहे ने, तौ शरणागत माधवे पूरन दयाल, छूट जाए संसार ते रखे गोपाल। जदों वो गोपाल इस धरती नूं पालन वाला, जीवां नूं पालन वाला, इस इंद्रियां नूं सत्या देण वाला आप राखा बन जाएगा, इस संसार वलों साडा मन छुट जाएगा। पर अरदास करनी पवेगी मन करके। की कहना है? तौ शरणागत माधवे, तौ शरणागत माधवे, बोलो पूरन दयाल, पूरन दयाल। छूट जाए संसार ते, छूट जाए संसार ते राखे गोपाल, राखे गोपाल। हुणे रहाउ दी पंक्ति चंगी तरह समझ लई, पढ़ लई, सुन लई, सुना लई। हुण शब्द दी आरंभता करो जी। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटै सो प्रभु जाकै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटिया राखो हो हर नाथ। हुण तुहानूं सारा शब्द आप ही समझ आ जाए। जदों असीं उस वाहिगुरु नूं हाजर नाजर जाण के राखो हर नाथ, नाथ जे एक वचन होवे ते थथे नूं औंकड़ लग जाएगी। इत्थे थथा मुक्ता है क्योंकि नाथ नूं संबोधन कीता है। हे नाथ, हे साडे मालक, किरपा करके सानू रख लो। ते गुरु ने आख्या उहदे तों बिना कोई होर रख नहीं जा सकता। रखे रखण हार आप उबारेन, गुर की पैरी पाए काज सवारेन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारेन, साध जनक के संग पवजल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारेन, तिस साहिब की टेक ना राखो मने माए। पायो दी मन भी टेक रखनी। तो गुरु साहब जी इथों गल शुरू करदे ने, बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ। मैं तो एक महापुरुष कोलो पुछया, मैं कहा जी मन बाणी पढ़न लग्या बड़े फुरने फोरदा, आंदे दे अंदर फुरने बड़े होए ने, निकल जाण दिओ, निकल जाण दिओ। जे आखे जी आलस आ जाए फिर की करिए, कहिंदे उच्ची उच्ची बाणी पढ़िया करो। जिवें किसे दरखत दे थले बैठे होइए ना, ध्यान लाइए ते उत्थे चिड़ियां चू चू करन ते उहनां नूं माड़ा जिहा ओए कह दिओ ते सब उड़ जांदियां। बस इसे तरह बाणी उच्ची उच्ची पढ़ोगे फुरने भज जाणगे। गुरु का तरीका ही दस सकता, करना सानू पएगा। बंधन काटै सो प्रभु जाके कल हाथ, जिदे हथां विच सारी शक्ति है ना उही बंधन कट सकता, होर दूजा कोई नहीं। पर असी की करदे आ, असी जी वर्त रख्या होया है, असी जी पुराणी कबर ते गए जी, असी पुराणे कोल प्रभु कोल ते आए ही नहीं, फिर प्रभु नूं किवें लांबा दे सकदे आ। जद जीव की शरण में आवेंगे ताई वह बंधन कटेगा ना। तो महाराज ने फैसला कर दिता, बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म ना छूटी है। अवर कर्म, होर कर्म कांड जितने भी असी करते हाँ, उन्होंने ये मन विकारा तो नहीं छुट सकता।
रखो हर नाथ। हे हरी नाथ जी कृपा करो, ये मनुखा जन्म मुड़ मुड़ नहीं मिलना। भगत रविदास जी वांगू तरला लवो ते की आखो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कदे ध्यान नाल बाणी पढ़ी है, भगत रविदास जी कहंदे ने, हे वाहिगुरु तू मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं। मैं कहना जे घर में चार पांच मैंबर होण, एक बंदा बोले ना, सारे घर दे जीआं नूं फिक्र पैदा हो जांदा, पापा जी तुसीं बोलदे क्यों नहीं, मम्मी जी तुसीं गल क्यों नहीं करदे। जद तक उहनां नूं पुछ नहीं लैंदे असीं छड़दे नहीं, असीं रब नूं कदे पुछिया ही नहीं। भगत रविदास जी कहंदे ने, हे रब जी मैनूं दसो, हम बल बल जाओ रमैया कारने, हम बल बल जाओ रमैया कारने। हम कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। मैनू कारण दे दसो, तुसीं मेरे नाल बोलदे क्यों नहीं। आख्या, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। सानू पूरा प्यार बख्शो, असी सजे खबे ना चाकीए, तुहाडी शरण छड़ के किसे पासे ना जाइए। एक बारी कहो, दो बारी कहो, दस बारी कहो, ते कही जाओ, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। सानू ते वर्तां तो वेल नहीं, कोई आंदा मैं एकादशी दा रखिया, कोई आंदा मैं फलाना रखिया, कोई आंदा फलाना रखी, ते गुरु साहब की कह रहे ने, अवर कर्म ना छूटी है, और कर्म कांडा नाल मन विकारां तो नहीं छुट सकदा, इसलिए एक दी शरण विच आ जाओ। ताओ शरणागत माधवे पूरन दयाल, छूट जाए संसार ते राख गोपाल, रहाओ आसा परम बिकार मोह, इन वह लुभाना झूठ समगरी मन वसी, पार ब्रह्म ना जाना। देखो सतगुरु किन्ना समर्थ ते दयालु है, वो जानते सब कुछ ने, पर जिमें मरीज डॉक्टर को जाए ना, डॉक्टर साहब पहला पूछते ने, भाई तू की खादा सी, ना जी कुछ भी नहीं खादा, मतलब कुछ भी नहीं खादा। डॉक्टर नू पता है कि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा गलत खादा, वो खाण करके इन तकलीफ शुरू हुई। वो फिर हौली हौली ने भी कुछ तो खादा ही होगा ना, वो फिर पूछ लेंदा, फिर वो दसदा भी इन बंद कर दे ठीक हो जाएगा। इसी तरह गुरु पातशाह कहने क्यों नहीं मन टिकता तुहाडा, उहदा कारण दस दिता, आसा परम बेकार मोह, इन मैं लोभाना। हर वेले मन विच आसा पैदा कर, मैनू कोठी मिल जाए, मैनू कार मिल जाए, गुआंढी कोल आया है, मेरे को क्यों नहीं है, फिर आसा पैदा होगी, फिर नाल ही भरम भी पैदा हो जाता है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मेरी अरदास गुरु सुनेगा कि नहीं, फिर भरम हो गया। फिर जे चीज मिल जाए
फिर उसके मोह में फस जाता है, फिर गुरुद्वारा ही भुल जाता है, फिर नितनेम ही करना भुल जाता है। आंदा जी टाइम ही नहीं मिलता। मैं कई बीबिया भैनों पूछना जी गुरुद्वारे क्यों नहीं आउंदियां, वो जी टाइम नहीं मिलता, टाइम कितने जाता है, वो जी बच्चों जी लगे रहीदा। लो पहला बच्चे मंगे, बच्चे मिल गए, हुण प्रभु नूं भुल गए। पातशाह कहिंदे ने दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरन विचार। एक ए रोग का कारण है। महाराज कह रहे आसा भरम विकार मोह इन मैं लोभाना, इन्हां विच असीं फस गए। जिमें दीवे उत्ते पतंगा आपे ही सड़के बल जांदा, वह मकड़ी देखी कदे घर तुसीं जिहड़ा वह नुक्कर दे इक जाला जिहा लगा हुंदा, वह मकड़ी जाला आप ही तणदी है, तण तुण के फिर आप ही विच ऐं फसी पई हुंदी, मरी पई हुंदी। भाई ये हाल साडा है। गुरु ने कारण दस दिता भी आ जे कारण, फिर पढ़ो आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना, झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। वो चीजा तो सुत्या पिया भी याद आउंदियां ने। आ मेरा बेटा इत्थे आया, कहिंदा मैनूं राती सुपने बड़े आए। मैं कहा हुण जिहड़ियां चीजां नाल प्रेम करेंगा उही सुपने आउणगे। मैं वेख्या जिवें जिमीदार हल चलाउंदे हन ना पहलां, तो वह बलद के पिछे करते हैं तत्ता तत्ता तत्ता, वह राती सुते पे भी तत्ता तत्ता ही करी जाते। वो जड़े कपड़े पार दे सारा दिन दुकान पर बह गए, राती भी कपड़े ही पार दे। गल ये कि जिहड़ी चीज मन में वसा लवेंगे उही राती सुत्या पिया भी आवे, तो जे उहदी जगह पार ब्रह्म वसा लवेंगे सौंदियां मंजे ते पवो वाहिगुरु 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 करद्या करद्या सौ जाओ, सारी रात वाहिगुरु चले। तजर्बा करके देख लो। गुरु जी ने कारण दस दिता भी आ जे कारण तुहाडे मन दा ना टिकण दा, आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना, झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिता सी वो जानिया नहीं, उहदे नाल संबंध जोड़िया नहीं, जिन्हां चीजां नाल जोड़िया वह फिर राती सुत्या पिया भी तंग कर दिया हन। परम जोत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यों तू राख है त्यों रहा प्रभ आगम अपारे। आख गुरु जी ने नाल ही तरीका भी दस दिता, आख्या इन्हां चीजां ने तुहाडा साथ नहीं देना, इन्हां नाल बहुता मोह ना पाओ, वरतो परमेश्वर ने दित्तियां ने, दौलत गुजरान है गुजारे लिए ठीक है, पर हुण दिने राती इन्हां दीआं स्कीमां च फस जाओ तो फिर तो फसोगे, फिर तो मकड़ी दे जाले वाला ही हाल होना है। जिवें वह आप ही जाला तणदी है तो आप ही विच फस के मर जाती, यही हाल साडा। पातशाह तरीका दसते ने परम जोत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यों तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपारे। हे अपार प्रभु, हे अगम प्रभु, गमता तो रहत प्रभु, असी तुहाडे जी हाँ, तुहाडे पैदा किए हुए हाँ, तुसी कृपा करो। साड़ी कोई अपनी चतुराई सियाणप नहीं काम करदी, बस असी ते तुहाडे अगे डिग पए। हुण जिवें तुसी रखो उवें रहांगे। कहिंदे रोज हाँ तू ठाकुर तुम पै अरदास, ये अखर रोज पढ़ते हैं ना, जियो पिंड सब तेरी रास। जे कहा तो मनो, पर नहीं हाथ से ला के विखाए कोई, साड़ी वट ते पैर ते कोई धरे लत्त बढ़ देंगे उहदियां। लै उधर कई जने सब कुछ तेरा, उधर इन्ना हंकार इन्नी पकड़। गुरु साहब कहते ने जे इन्हां सारिया मुश्किलों तो बचना है तो परम जोत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे। इत्थे तुम्हारे दे मम्मे थले एक लकीर है, बहुत जन नहीं पता लगता भी इहदा की मतलब है। ये हाहे का चौथा हिस्सा है, इनू असी अपनी बोली विच हलंत कहने। थोड़ा जिहा मम्मे नू भारा कर दिओ, तुम्हारे सब जी तुम्हारे, ज्यों तू रखें त्यों रहा प्रभ अगम अपारे। हे वाहिगुरु, साड़ी कोई समर्था नहीं, साड़ी कोई सियाणप नहीं,
ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਓ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪੱਚੋ ਤਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਲਵੋ, ਪਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਓ, ਆਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਜੇ ਦਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹਾਹਾ ਦੇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਦਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈ ਜੇ ਤਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਖੀਰ ਬਣੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ, ਸਾਗ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
डॉक्टर नू हकीम नू उलांबा देने तो पहला ये देख लो भी असी दवाई खाधी है कि नहीं, जो जो गल्ला जो परहेज डॉक्टर ने दस्या कीता है कि नहीं, एवें ना मूँह चुके डॉक्टर नू उलांबा देने चले जाओ जी। डॉक्टर साहब मैं तो राम ही नहीं आया। गुरु पातशाह गरंटी देंदे ने भाई प्रभ बाणी शब्द सुपाखेया, प्रभ बाणी शब्द सुपाखेया, ये रब की बाणी है, ये बड़ी श्रेष्ठ बोली विच लिखी जिहड़ी तुहानूं तुहानूं समझ आ जाए। पर असीं करना की है, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। ये नित क्या हैगा, ये नहीं कहा भी सिर्फ संगरांद वाले दिन गुरुद्वारे जायो, ये नहीं आख्या भी मस्से वाले दिन जायो। नित बाणी पढ़न का हुक्म किया, जे पढ़ते हो फिर कोई भुलेखा तो मैनू दसो। तो ये कह देना जी मैं तो जी अमृतधारी हाँ, मैं तो पूछ लैना बी अमृतधारी हो मुबारक है बधाई हो दसो पंजा प्यारियां ने की किया सीगा, भी केड़ा काम करना केड़ा नहीं करना। वो जी सानू तो भुल गया है तो फिर मेरा की कसूर है, तो पंज प्यारियां का की कसूर है। भुलो ना, गुरु गरंटी दे के कहिंदे ने गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुर पूरे तू राखिया, गुर पूरे तू राखिया, नेता प्रति अरदास करिया करो। ये ना मंगया करो भी शाम नू बोतल वाले बंदे आन ते खोलीए या बोतल वालियां कोल जाइए, ये आख्या करो से संजोग करो मेरे प्यारे, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे, जित रसना हर नाम उचारे, मैं तो पुराने बजुर्गों दियां गल्लां विचों बड़ा कुछ सीखिया। वो की करते हैं जदों घरों तुरन लगते हैं ना, पैर विच जुती पाउण लगते हैं, आंदे रब सच्चा किसे भले का मेल कराई, किसे चंगे दे दर्शन कराई। बस जे मंग मंगांगे इच्छा होगी चंगिया नूं तां चंगिया नूं मिलांगे, तो जे घरों ही ठेके पर तुरना तो फिर की कर सकते हैं भाई। जदों साडी डिमांड ही उत्थे तक रहेगी तो गुरु ने सानू जीवन की जांच दसी है भाई आ कम करिया करो, फिर तुहाडा लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। दो दिन की सेवा प्रवान हुई, भुलां चुकां की खिमा। मेरी समुची श्रोमणी कमेटी तथा समूह स्टाफ लई अरदास है गुरु अगे भी सच्चे पातशाह सानू सारियां नू मेरे समेत इहो जी मत बख्शो कि असी तुहाडी ये बख्शी हुई सिख्या आप कमाईए ते दूजियां नू प्रेरिए। हाँ जी पढ़ो। करन कारण समरथ प्रभ, देह अपना नाओ, नानक तरिया साध संग, हर हर गुण गाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।